welcome to vikay anim 2020 today we will solve chapter 2 application of derivatives what are the sums sir is going to solve in this video lecture exercise 2.2 question 1 sums 1 and 3 please don't forget to share as well as subscribe हेलो गाइस टॉपिक तो तुम लोग अभी समझ में आ गया रहेगा कि वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2.2 तो गाइस इसमें एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले आई वांट टू टेल यू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो तुमने तुम्हारे स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था तो गाइस व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है मल में क्या मैं बता दुम फॉर एग्जांपल द फार्मूला सेज लाइक दिस वन सेकंड या सो द फार्मूला सेज लाइक दिस दैट इज f डैश x is equal to limit h tends to zero and then bracket f of x plus h minus f of x upon h ठीक है अगर समझो हम लोग अभी ये जो फंक्शन है x के बदले हम लोग a लेते हैं सो so क्या बोलते हैं मन में दफ ऑफ ए दैट इज एफ डैश ऑफ ए दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो सो ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच ठीक है अगर हम लोग h का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो करते हैं तो देखो ना फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे विल स्टार्ट राइटिंग तो देखो ना f डैश a ऐसा डबल ये डाला और ऊपर मैंने ऐसा दो डॉट्स चलने के लाइक डिवाइड जैसा ठीक है तो मैंने जैसे डिवाइड जैसा डाला ना तो अप्रोक्सीमेशन जैसा हो गया तो ये मुझे ऐसा मिलेगा दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच ओके सो गाइस हम लोग जो टॉपिक ही देख रहा है वो क्या है अप्रोक्सीमेशन तो तुम लोग थोड़ा तो स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान दो गाइस लेट्स तो एक काम करता हूं मैं एच को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं क्या बनता है देखो एच इन टू एफ डैश ए अप्रोक्सीमेशन ओके तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो या तुम लोग देखो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो गाइस ऐसे भी लिखना अप्रोक्सीमेशन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अब गाइस हमें F of A plus H का वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस बन बनेगा जस्ट समझ जाओ कि, तो uh, uh, कि अब यहां पर कुछ साइन नहीं मतलब तो प्लस है और ये माइनस उधर गया तो क्या बनेगा प्लस बनेगा ऑब्वियस राइट कोई डाउट का गुंजाइश ही नहीं सो so गाइज ये हो जाएगा हमारा प्लस एच इन टू एफ डैश ऑन दिस ऊपर अच्छे से ध्यान दुआ बेस ऑन तो उसके बेस पे सॉल्व करेंगे सो लेट्स स्टार्ट हमारा जो फर्स्ट सम है हमारे एक्सरसाइज uh, के हिसाब से सो आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द स्क्रीन अगर तुम लोग स्क्रीन पे थोड़े अच्छे से ध्यान देते हो तो तुम लोग देखो या क्वेश्चन इज देर जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है देखो तुम लोग यहां पर मैं तुम्हारे लिए एक बार पुट अप कर लेता हूं या सो हियर इट इज कैन यू सी हम लोग पहला ये अप्रोक्सिमेट वैल्यू ये जो फंक्शन दिया तो तीन सम तुम्हारे लिए सॉल्व करने वाला हो बाकी का तुम लोग इजीवी कर सकते हो सो so, पहला सम क्या है हमारे लिए टू पॉइंट टू ठीक है माई फर्स्ट सम वॉट इज माई फर्स्ट सम इज रूट ऑफ 8.95 ठीक है तो हम लोग ये जो वैल्यू दिख रहा है ना ये जो वैल्यू राइट right? ये जो वैल्यू है ना इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे वो कैसे अभी तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख लो यार स्क्रीन पे या चलो बैक टू द स्क्रीन नाउ सो गाइस आई एम कंसिडरिंग काम करते हैं, तुम लोग ये काम करो वॉट यू डू इज पुट तुमने तो एक काम करो पुट x इज इक्वल टू एट पॉइंट नाइन फाइव ठीक है सो हमने सिर्फ x का वैल्यू एट पॉइंट नाइन फाइव डाला ठीक है सो गाइज लेट स्टार्ट एक काम करता हूं सो हेंस फंक्शन ऑफ x ठीक है कैन यू सी दिस रूट तो मैंने डाला रूट और रूट के अंदर मैंने क्या डाला एक्स क्योंकि देखो ना एक्स का वैल्यू ये है राइट सो गाइज ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स रूट एक्स सो उसका डेरिवेटिव क्या बने एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज रूट एक्स सो तुम लोग इस चीज को भी दिमाग में रखो गाइज ठीक है अब अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे अब क्या करेंगे हम लोग को देखो हमारा फॉर्मूला देखो पहला एक बात देखो कैन यू सी हमारा हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को ना कंसिडर करेंगे नाउ लिसन आई रिटन दिस फॉर यू ठीक है सो सिर्फ तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए मैंने लिखा है ठीक है खाली बिली ये मत करना अननेसेसरी ठीक है चलो अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दो सो गाइस उ इट स्टार्ट तुम लोग जरा ध्यान दो सो so, हमें यह मालूम है कि हैंस, हैंस, what? X is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो एक काम करो मैं इसको जरा राउंड फिगर करो। तो मुझे क्या मिला 8.95 I'll get this 9 9 is 9 इज नाइन माइनस जीरो पॉइंट जीरो 0.05 is

यहां पर हम लोग ने क्या ढूंढा था ओके okay, सॉरी या जरा स्क्रीन पे अच्छे तो से ध्यान दो आई जस्ट या ओके तो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो एक्स के जगह पे देखा क्या है दिखा ना? तो वी आर गोइंग टू गेट एस देखो अभी हम लोग ढूंढ रहे थे ए प्लस एच देखा तुमने ए प्लस एच डिड्यूस तो ये प्लस एच के हिसाब से ढूंढ रहा है सॉरी सो सो आगे ध्यान दो गाइस so, right? हम लोग पुटअप करेंगे इसमें इस पुटअप करेंगे इसमें ठीक इस है क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है एक बार देख लेते दफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सिमेशन दस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू

तो क्या हो गया एफ ऑफ ए का वैल्यू थ्री मिला अब देखो ना एफ ऑफ एक्स देखो फंक्शन ऑफ एक्स अगर रूट एक्स है तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ ए तो क्या रूट ए वॉट इज माई एयर इज नाइन अभी गाइस अगला नेक्स्ट तुम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान दो एल जस्ट एल जस्ट

अब मेरे पास हो गया अभी मुझे फॉर्मुला पे सब्सटूट करना है so, it, is, F of, सो लेट हम कैसे उसको करेंगे देखो फार्मुला तो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिख लिया फिर भी तुम्हारे लिख लेता हूँ एच ओके अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ए सो वॉट इज माई दिस वैल्यू विल बी दैट इज रूट ऑफ एट पॉइंट नाइन फाइव अप्रोक्सीमेशन

3 minus, guys, 6 into तुम को कितना मल्टीप्लाई कर लेना ठीक है तो फाइनली मुझे इसका अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू है जो माइनस करने के बाद मुझे अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू क्या मिलेगा क्या दस टू 2.9917. नाइन सो ये वैल्यू है मुझे मिला अप्रोक्सीमेशन का ठीक है ये वैल्यू मिला है अप्रोक्सीमेशन का सो डोंट गेट कंफ्यूज ठीक है अच्छी तरह से थोड़ा दिमाग में रख लो तो ये हो गया एक सम मैं तुम्हारे लिए गाइस अभी एक और एक काम कर मैं थोड़ा टफ सम सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे लिए सो लेट मी गेट अ क्वेश्चन फॉर यू इज आई गॉट इट ठीक है तो हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन सो व्हाट थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से इज दैट कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या है एक सेकेंड गेट द वैल्यूज ओहो टेक्स्ट बुक ही नहीं खुल रहा है वेर इज द वैल्यू ओके सो वट आई डू इज या आई बेटर आई विल गेट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हियर आई हैव द टेक्स्ट बुक हियर ऑल्सो या सो थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन या रूट ऑफ फाइव थर्टी वन पॉइंट नाइन एट ठीक है सो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं ओके okay, रूट 31.98 वन पॉइंट नाइन एट ठीक है सो दिसल्यू आई एम गोइंग टू गेट लेट्स स्टार्ट सो हम लोग पहला क्या करेंगे हमें हमें मालूम क्या करना है पहला? सो so, so, अभी हम लोग एक काम करते हैं डेरिवेटिव करते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स ये हो गया हमारा एक पार्ट बस अभी इसमें ये खत्म नहीं हुआ अभी हमारा राइट right? ठीक uh, है अभी और एक चीज है हम लोग को इसका क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा सो so और एक एक चेंजेस लाता हूं मैं F of X में यहां पर ध्यान दो सो आई राइट लाइक एक्स रेस टू वन अपॉइट फाइव ये बराबर रहेगा बराबर रहेगा ना बिकॉज uh, देखो ना ये एक्स वन रेस टू फाइव या फिफ्थ रूट ऑफ एक्स सेम है सो गाइज डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी सो एन

वो नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा डिड यू गेट दिस ऊपर है माइनस और नीचे आ गया तो क्या होगा प्लस हो जाएगा राइट सो गाइज मुझे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स का वैल्यू मिल गया ठीक है अब मुझे उसको ए प्लस एच के हिसाब से लाना है सो गाइज वी नो हेंस हमें यह मालूम है कि वॉट वी नो इज एक्स इज इकल टू क्या वैल्यू था एक्स का वैल्यू क्या था गाइज थर्टी वन पॉइंट नाइन एट 31.98 तो गाइस मैंने क्या किया उसको स्प्लिट किया 31.98 को मैंने लिखा 32 0.02 है कि नहीं तो सिंस क्या वैल्यू हो गया मुझे ए का वैल्यू मिला 32 एंड h जरा स्क्रीन पे ध्यान दो वो साइड पे देखो वो साइड पे अच्छे से ध्यान दो तो h का वैल्यू मिला मुझे -0.02 अब गाइज यहां से ना बहुत इजी है ठीक है अब यहां से बहुत ईजी इसके लिए मैंने बोला बिकॉज यू नो वॉट आई टू फाइंड मेरा फॉर्मुला एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश है हाँ या ना ये मेरा फॉर्मूला है ये मेरा फॉर्मूला है सो so, मुझे एफ ऑफ ए का वैल्यू मुझे मिल गया हाँ या ना तो व्हाट इज माय एफ ऑफ ए क्या मिलेगा मुझे मालूम है क्या देखो अभी यहां पर ध्यान दो सो फंक्शन ऑफ ए विल बी इज बराबर ना, तो so so हो गया. अब हमें क्या F a. सो गाइस एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या था हमारे पास वन फाइव एक्स एक्स रेस टू थ्री बाई फाइव रेस टू फोर बाई फाइव तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा गाइस यहाँ पर प्लीज कभी कभी ये प्ले करता है मेरे साथ ओके नाउ नाउ ही डजेंट प्ले ओके सो एक्स का ए का वैल्यू मतलब ए ए का वैल्यू क्या है थर्टी टू थर्टी टू राइट और उसके बाद मुझे उसका वैल्यू क्या था गाइज वॉट डिड आई गॉट देर इज दैट इज फोर बाई फाइव राइट यही मिला ना हम लोग को सो गाइज लेट्स अपन फाइव अभी यहां पर भी ध्यान दो तुम लोग फिफ्थ अभी मैं इसका एक काम करता हूँ आई एल शो यू स्प्लिटिंग एंड आई एल शो यू तो देखो ये कुछ ऐसा होगा तुम्हारे लिए देखो थर्टी टू वन बाई फाइव राइट द होल रेस टू फोर ऐसा होगा राइट right? सो so, हम लोग इसको क्या वैल्यू मिलेगा रेस टू फोर समझा तुम लोगों फिफ्थ रूट ऑफ देखो फिफ्थ रूट ऑफ थर्टी टू इज फिफ्थ रूट ऑफ थर्टी टू इज टू मतलब पांच टाइम रूट करना है तो कितना मिला मुझे टू मिला और बाद में ये रेस टू है कि नहीं सो गाइस व्हाट द वैल्यू एम गोइंग टू अपॉन फाइव टू रेस टू फोर टू रेस टू फोर कितना होता है सिक्सटीन तो इन टू सिक्सटीन में ज्यादा उसको खींचना नहीं चाहता तो 80. कितना मिला मुझे 80 मिला ठीक है, मिला, so थोड़ा मैं इसको इधर रखता हूँ एक काम करता हूं अगे प्लस एच का वैल्यू क्या रूट ऑफ थर्टी वन पॉइंट नाइन एट राइट यान एफ ऑफ एस एफ ऑफ ए का वैल्यू हमें कितना मिला था हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देखो कितना मिला था टू मिला था प्लस मुझे एच का वैल्यू क्या था, मैं F है. F का कितना मिला था माइनसिमेशन टू माइनस ना तुम लोग मालूम पड़ा माइनस ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाता है माइनस हो जाता है ठीक है ध्यान दो आ, स्क्रीन पे वहां पर देखो माइनस हो जाता है और मैं क्या होता से डिवाइड करता हूं तो गाइस आई एम गोइंग टू गेट एस जीरो एक, दो तीन एंड ट्वेंटी फाइव सो गाइज माई फाइनल वैल्यूल थर्टी वन पॉइंट नाइन एट अप्रोक्सिमेशन और मुझे मिलेगा ठीक है ये वैल्यू मिला लगाइस बहुत ईजी सम है ना आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो राइट सो so गाइस मैंने तुम्हारे लिए काम करता हूं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दो ही सम सॉल्व किया बिकॉज आई फील यू कैन ईजीली सॉल्व दिस सम्स यार बाकी का बाकी का भी इजी सम ठीक है कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज डू कमेंट ठीक है कुछ भी डाउट रहेगा तो बस कमेंट कर लेना ठीक है अभी हम लोग चलो कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर लेना